कार्य में लगाया गया व्हील लॉक खुलवाने के बजाय चालक द्वारा पहिया बदलकर कार ले जाने का अजीब मामला सामने आया है। यातायात पुलिस सड़कों पर इधर उधर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वाहन के पास चालक नहीं होने पर व्हील लॉक लगा देती है। कुछ देर बाद चालक यातायात थाना जाकर चालान भरकर लॉक खुलवाता है, लेकिन दौलतगंज में एक व्यक्ति ऐसा नहीं करते हुए लॉक खुलवाने की बजाय पहिया ही बदलकर स्टेपनी लगाकर कार को ले गया। हालांकि वह कुछ देर बाद यातायात पुलिस के पास पहुंचा, इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह सोमवार शाम को यातायात पुलिस व नगर निगम का अमला क्रेन लेकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने व वाहन जब्त करने के लिए शहर की सड़कों पर भ्रमण कर रहा था। शाम करीब 5 बजे दौलतगंज क्षेत्र में पुलिस को कार सड़क किनारे नो पार्किंग में खड़ी दिखी। कार के पास उसका चालक नहीं था, ऐसे में अमला ड्राइवर साइड के अगले टायर में अपना लॉक लगाकर आगे चला गया। कुछ देर बाद चालक पहुंचा और लॉक देखकर उसने टायर खोला व स्टेपनी लगाकर कार ले गया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अमले में शामिल नगर निगम के राजा राम मिश्रा ने बताया कि कार चालक करीब 1 घंटे बाद यातायात थाने आ गया था। उसका कहना था कि उसके परिवार में एक महिला की तबीयत खराब होने से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए ऐसा किया था। उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है।